नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य को लेकर विभिन्न कोर्सों के लिए तैयारी करने में लगे हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी राज्य के सरकारी या फिर निजी कॉलेज से पॉलिटेक्निक या पारा मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी खबर है। बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त से ही शुरू है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2021 है। बता दें कि बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है, जिसका आयोजन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से होता है। हालांकि आपको बता दें कि परीक्षा के तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल में एडमिशन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके तहत पॉलिटेक्निक इंजीनियर, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर, पारा मेडिकल इंटर स्तरीय और पारा मेडिकल 10वीं स्तरीय कोर्सों के लिए नामांकन होने हैं। ये एडमिशन सरकारी और निजी महाविद्यालयों में या फिर संस्थानों में लिए जाएंगे। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस कोर्स के लिए क्या योग्यता मांगी जा रही है और कोर्स से जुड़ी अन्य बातें भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के क्वालिफिकेशन के बारे में। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का कोर्स 3 सालों का होता है। इसके लिए बिहार बोर्ड या फिर अन्य समकक्ष बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में कम से कम 35% मार्क्स के साथ पास होना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदकों की कोई अधिकतम या फिर न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। वहीं पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर का कोर्स 4 सालों का होता है। इसके लिए 10वीं पास या फिर समकक्ष बोर्ड से 10वीं पास के साथ ही 2 साल के ITI पास होना भी जरूरी है। इसके अलावा 10वीं पास होने के साथ किसी निबंधित कंपनी या फिर फर्म में 2 सालों का कार्य अनुभव रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 19 साल निर्धारित है। बात अगर पारा मेडिकल कोर्सों की करें तो माध्यमिक स्तरीय पारा मेडिकल के लिए माध्यमिक परीक्षा के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके लिए ड्रेसर का कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 15 साल है, जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वही पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय कोर्स के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इंटर स्तरीय पारा मेडिकल में डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक व प्रोस्थेटिक सहायक, डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजीनिस्ट के साथ ही केवल महिलाओं के लिए स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स और ANM कोर्स कराया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के साथ ही मैथ्स या बायोलॉजी के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं GNM ग्रेड ए के लिए बायोलॉजी के साथ इंटर साइंस में 40% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। इसमें SC ST उम्मीदवार को 35% ही पास होना जरूरी है। वहीं अगर बात हम ANM कोर्स की करें तो ANM कोर्स के लिए 40% मार्क्स और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। बता दें कि GNM और ANM के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी के पैरामेडिकल कोर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश विषय के साथ इंटर पास होना अनिवार्य है। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल और अधिकतम 32 साल निर्धारित है, जबकि ANM और GNM के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। बताते चले कि किसी एक कोर्स में पढ़ने के लिए अगर जनरल, OBC या फिर EBC वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उन्हें 750 रुपए लगेंगे। वहीं SC ST या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी को 480 रुपए आवेदन शुल्क लगेंगे। वहीं अभ्यर्थी चाहे तो एक साथ एक से अधिक कोर्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग शुल्क तय किए गए हैं। किन्हीं 2 कोर्स के लिए आवेदन करने वाले जनरल, OBC या EBC वर्ग के छात्रों को 850 रुपए व SC ST या दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 530 रुपए लगेंगे। 3 कोर्सों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 950 रुपए लगेंगे, जबकि अनुसूचित जाति व दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 630 रुपए लगेंगे। वहीं सभी 4 पाठ्यक्रमों के लिए अगर आवेदन करते हैं तो वैसे जनरल, OBC या फिर EBC अभ्यर्थी को 1150 रुपए व SC ST या दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 730 रुपए लगने वाले हैं। बताते चले कि आवेदन 6 चरणों में भरना होगा। अभ्यर्थियों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर देना जरूरी है। ईमेल ID ही उनका यूजर नेम होगा।
तो अगर आप भी 10वीं 12वीं के बाद इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही आधिकारिक वेबसाइट www.bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।